सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। एक बार सफलता मिलने पर रुक जाना ही आसान है और उससे भी आगे बढ़कर काम करते रहना ही व्यक्ति की असली पहचान है। पैसों के पीछे नहीं बल्कि अपने फैशन के पीछे भागे। चाहे असफलताओं ने आपको चारों ओर से घेर रखा हो लेकिन फिर भी आप सफलता की किरण को देख पाएंगे, यकीन रखें। आज का पंचांग 27 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह 9:10 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र शाम 6:36 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:11 से 11:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर शाम 6:36 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। मेरा से 27 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार, रोमांस में कुछ समस्याएं अभी आपको अकेला और तन्हा महसूस कराने का कारण बन सकती है। अगर जरूरी हो तो अपनी सेहत और व्यावसायिक जीवन को प्राथमिकता देने के लिए ब्रेक लें। आपके प्रयासों और प्रतिभा को पहचान मिल रही है। रैंक में विकास और प्रतिष्ठा का पूरा मजा उठाएं। आज आप अच्छे और बुरे दोनों अनुभव का आनंद लेंगे। आप असंभव को संभव करने में पूरी तरह से सक्षम हैं, किंतु इसके लिए उपयुक्त जोश और मनोभाव होना जरूरी है। किसी भी ऐसी चीज पर अपना अधिकार मत समझिए जिसके लिए ना तो आपने पसीना बहाया हो और ना ही संघर्ष किया हो। रूटीन व्यवस्थित रहेगा। अपने पसंदीदा कामों को अहमियत दें, इससे मानसिक सुकून मिलेगा। घर में रखरखाव के कामों में मदद मिलेगी। किसी करीबी के साथ मिल बैठकर अपनी दुख बांटेंगे, इससे कोई सॉल्यूशन भी मिलेगा। पैसों से संबंधित लेन देन करते समय उनके स्वभाव का गलत फायदा ना उठाएं, इस बात का ध्यान रखें। जैसा व्यवहार आप करेंगे वैसा ही व्यवहार आपको भी मिलेगा। आपके सीमित विचार आपके लिए नुकसान का कारण बन सकते हैं। लालच से बचें। समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी में आपके द्वारा गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखें। नए लोगों से परिचय हो सकता है, उस व्यक्ति की परख ठीक से करें। जब तक पूरी जानकारी मिलती नहीं तब तक रिलेशनशिप के बारे में विचार ना करें। जोड़ों का दर्द तकलीफ का कारण हो सकता है। सावधानियां। जल्दबाजी ना रखें। अनुभवी की कमी के कारण आप अटक सकती हैं। नजदीकी लोग आपकी भावनाओं का नजायज फायदा उठाएंगे। विचारों में शांत रहना ही उचित है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी आपसे सामंजस्य से घर में बेहतर व्यवस्था रखेंगे। रोमांस में समस्याएं आपके रिश्ते में दूरियां ला सकती है। गलतफहमियां होना बहुत ही सामान्य है, बस उन्हें जल्दी दूर कर लें। आप जानते हैं कि आपके साथी को आपकी फिक्र है और वो हर तरह से आपकी मदद करना चाहता है। दोस्तों और भाई बहन की कंपनी आपको राहत पहुँचाएगी। जीवन आज आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। अपने मनमोजी रवैये को छोड़कर अपनी चाहत की तरफ ध्यान दें। आज आपके मूड में भी बदलाव आएगा, इसीलिए अपने प्रेम में जीवन का आनंद लें। अपने साथी तक अपने विचारों को विनम्रता से बांटें और उसकी भावनाओं का ध्यान रखें। बात करते हैं करियर की। आज के दिन आपके पेशेवर और धन लाभ दोनों के लिए अच्छा है। आपकी प्रबंधकीय क्षमता की प्रसिद्धि के कारण आपको नए ऑफर मिलेंगे। अपने कार्य और कौशल का मूल्यांकन करने के बाद आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकती हैं। याद रखें, अपने सपनों का अनुसरण करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आपकी रचनात्मक ऊर्जा आज आपको एक अलग अनुभव प्रदान करेगी। यह चरण बेहतर प्रस्तावों और ग्राहकों को खोजने के लिए बेहतरीन है। नए अनुबंध आपके करियर में चार चांद लगा सकती हैं और साथ ही कुशलता को भी बढ़ाएंगे। अपने दृढ़ जुनून को ऐसे ही बने रहने दें, क्योंकि आपका यही जुनून आपको आसमान की ऊंचाई तक लेकर जाएगा। बात करते हैं सेहत की। कुछ समय अपने आराम के लिए निकालना जरूरी है।
अपने सामर्थ्य से ज्यादा काम की जिम्मेदारी ना लें, योग और मेडिटेशन करें। जोड़ों का दर्द भी तकलीफ का कारण हो सकता है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज के दिन आप माँ सरस्वती जी की पूजा करें, साथ साथ सफेद रंग की चीजों का भी दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।